अभी आपको बताएं कि नैब लाहौर ने साबिक विफाकी वज़ीर रेलवे खादर साद रफीक के खिलाफ रेलवे अराजी लीज पर देने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला कर लिया है। डीजी नैब ने रीजनल बोर्ड मीटिंग में मंजूरी के बाद हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को सिफारिशात भेज दी हैं। साद रफीक पर रेलवे की अरबों रुपए की जमीन मनपसंद अफराद को सस्ते दामों लीज पर देने का इल्जाम था। शिकायत कुनिंदा ने कहा है कि साद रफीक ने लाहौर वॉल्टन रोड और UET पर अराजी 33 साल के लिए लीज पर दिलवाई। उन्होंने जी कंपनी के जरिए ये जमीन मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए दी। पाकिस्तान रेलवे के ऑफिसर्स ने भी अराजी लीज पर देने के लिए जांच पड़ताल नहीं की। ज़राए के मुताबिक साद रफीक पर मनपसंद अफराद को जमीन ठेके पर देने का इल्जाम साबित नहीं हुआ। रेलवे ने जिस कंपनी को जमीन लीज पर दी उसने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। 12 प्लॉट्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ जिलों में ऑयल कंपनीज को दिए गए। भलवाल में प्लॉट रावलपिंडी की कंपनी को दिया गया और रहीम यार खान में कमर्शियल प्लॉट जाम ब्रदर्स को दिया गया।